Beast. Mr. Beast. Of Mr. Beast. He is the biggest name on YouTube right now. He's got 289 million subscribers. एक मिडिल क्लास की फैमिली जिसने भूखमरी से लेकर हर मुसीबत का सामना किया, यह बात है 1997 की। और तभी सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ और तभी 6degrees.com वेबसाइट को लॉन्च किया गया और इसी के साथ नए साल की शुरुआत हुई। और ऐसे में इस फैमिली के पास खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं था, नहीं पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे। और ऐसे में जन्म हुआ जेम्स स्टीफन का, जिनका पूरा नाम जेम्स स्टीफन डोनाल्ड सन है और इनको प्यार से जिमी कहते हैं। और सोशल मीडिया पर हम इनको मिस्टर बीट्स के नाम से जानते हैं। मिस्टर बीट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यूट्यूब पर सक्सेस होने के लिए यह तीन चीजें बहुत जरूरी है, जो कि मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। Figuring out, you know, what makes a good video, what does my audience want, how can I elevate? मिस्टर बीट्स का जन्म 7 मई 1998 विचिटा कसास के छोटे से शहर में हुआ, लेकिन इनके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि रूम का रेंट दे सके। इसलिए इनके माता पिता कसान से ग्रीनविल और उत्तरी कैरोलिना शहर में शिफ्ट हो गए। इसी तरह से इनका पालन पोषण ग्रीनविल में हुआ। इनका एक भाई भी है जिसका नाम है सीजे डोनाल्डसन, जो कि मिस्टर बीट के साथ ही रहते हैं। और मिस्टर बीट के माता पिता एक सैनिक थे, अपने देश प्रेम के कारण अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे और इसी बात पर रोज का झगड़ा होता रहता। रोज के झगड़े से तंग आकर मिस्टर बीट की मॉम ने 2007 में तलाक ले लिया और मिस्टर बीट ने खुद यह बात कही थी कि ये 5 साल मेरे लिए बहुत ज्यादा डिप्रेशन में गए थे। फिर आया नया साल 2012 की शुरुआत में 13 साल की उम्र में ही एक चैनल बनाया और जिसका नाम था मिस्टर बीट 6000 और इसी चैनल पर वीडियो पोस्ट करने लगे। और इसी के साथ साथ 2016 में मिस्टर बीट अपने क्षेत्र के एक निजी माध्यमिक विद्यालय ग्रीनविल क्रिश्चियन एकेडमी स्कूल छोड़ने से पहले उन्होंने कुछ समय के लिए ईस्ट कैरोलिना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और अपनी बीच में पढ़ाई छोड़कर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने लगे। और शुरुआत में ही इन्होंने गेमिंग वीडियो अपलोड करने लगे, लेकिन कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद इन्होंने अन्य बड़े यूट्यूबर्स की संपत्ति और यूट्यूब इनकम के बारे में बताने लगे, जिसको लोगों ने खूब पसंद किया। फिर धीरे धीरे मिस्टर बीट ने यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझना शुरू किया और मजाक मस्ती करने वाली वीडियोस अपलोड करने लगे, जिससे इन्हें काफी मदद मिली। Are you subbotting again? No, please don't tell scares. Are you subbotting again? 2016 के बाद इन्होंने YouTube को अपना करियर समझ लिया और अपना फुल टाइम YouTube को देने लगे, लेकिन मिस्टर बीट की मॉम इस फैसले से खुश नहीं थी। कई बार मिस्टर बीट को इस चीज से रोका गया, लेकिन मिस्टर बीट ने हार नहीं मानी। ऐसे में उनकी मॉम ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। पर जैसे जैसे इनका चैनल बढ़ता गया, वैसे वैसे इनका नाम भी उभरता गया। फिर मिस्टर बीट ने अपने बचपन के चारों दोस्तों को काम पर रख लिया, जिनका नाम था क्रिस टाइसन, जेंडल हेलो, गैरेट रोनाल्डर्स और जैक फ्रैंकलिन। धीरे धीरे इन्होंने अनेक गेम्स के वीडियो और अनेक घटनाओं पर वीडियो बनाई। लेकिन कहते हैं ना, कामयाबी की एक खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। फिर आया 2017। इस टाइम मिस्टर बीट अपने कंटेंट पर बहुत कुछ सीख चुके थे और तभी इन्होंने एक चैलेंजिंग वीडियो बनाया जिसमें 1 से लेकर 1 लाख तक की काउंटिंग की। 9,999, 10,000. इस वीडियो को शूट करते टाइम 40 घंटे का टाइम लगा था, लेकिन वीडियो की स्पीड बढ़ाने पर बना। फिर यह वीडियो धीरे धीरे वायरल होने लगा और इसी वीडियो में मिस्टर बीट को अपनी पहचान मिली और अमेरिका में यह वीडियो ट्रेंड पर था। और एक खास बात बताऊं, इसी वीडियो से मिस्टर बीट के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके थे और इसी तरह से मिस्टर बीट दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर बन गए। 2017 में ही उनके चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे और 2020 में फ्रैंकलिन ने ग्रुप छोड़ दिया और उसकी जगह कार्ल जेकब्स, जो पहले एक कैमरामैन थे, उनको रखा गया। अब इनके चैनल के सब्सक्राइबर की बात करें तो 2016 में 1 लाख सब्सक्राइबर थे,
जो कि 2017 में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके थे और 2018 में 10 मिलियन सब्सक्राइबर थे। अब 2021 में 50 मिलियन और 2022 में 100 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके थे और आज की डेट में 2024 में 297 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जो कि टी सीरीज को भी पीछे छोड़ दिया और आज की डेट में 268 मिलियन सब्सक्राइबर है टी सीरीज के और मिस्टर बीट के 297 मिलियन सब्सक्राइबर है। इतना ही नहीं, स्ट्रीम अवार्ड में लगातार 4 बार क्रिएटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है और उनकी कुल संपत्ति है $500 मिलियन। मिस्टर बीट के मंथली अर्निंग की बात करें तो $3 मिलियन है। अब यूट्यूब का फंडा ऐसा है कि यूट्यूब की अर्निंग ऊपर नीचे होती रहती है, कभी कम तो कभी ज्यादा। सो आप जान ही चुके हैं कि एक मिडिल क्लास का बंदा बिग यूट्यूबर कैसे बना। मिस्टर बीट ने एल्गोरिथम को पूरी तरह से हैक कर लिया था। हर एक दिन बिताने के लिए मैं तुम्हें दूंगा $10,000। जो भी आखिर तक इस पर हाथ रख पाएगा वो इस जेट को जीत जाएगा। जो कि अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि YouTube पर सक्सेस होने के लिए 3 चीजों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट है CTR, वीडियो पर क्लिक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है थंबनेल। अगर आप 100 थंबनेल भी सामने लेके आ जाओ और मिस्टर बीट का एक ही थंबनेल अलग हटके दिखेगा। Figuring out, you know, what makes a good video, what does my audience want, how can I elevate? Second है watch time. अगर आपकी वीडियो 10 मिनट की है और लोगों ने 50% भी देखी तो आपकी वीडियो बूस्ट हो जाएगी। लास्ट में आता है कंटेंट। आज से लेकर पूरे 100 साल तक और ये सब कम्पीट करेंगे पूरे $2.5 लाख के लिए। जो थंबनेल में है वही चीज आप वीडियो में बताते हो तो आपके व्यूवर्स इम्प्रेस हो सकते हैं। अगर उनको जो चाहिए वो अगर वीडियो में नहीं मिला तो वो स्किप कर देते हैं और ऐसे में आपका वीडियो डेड होने का भी खतरा रहता है। बात करें ध्रुव राठी की तो उन्होंने एल्गोरिथम के अपोजिट ही वर्क किया। अगर आप चाहते हो कि ध्रुव राठी पर एक ऐसा ही वीडियो लेकर आओ तो कमेंट में जरूर बताना। मिस्टर बीट की एक छोटी सी गलती ने 2012 में अपने चैनल पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी, क्योंकि उनको यूट्यूब के रूल्स की पॉलिसी के बारे में जानकारी नहीं थी। अगर आप भी एक नए यूट्यूबर हो तो आपको यूट्यूब की पॉलिसी के बारे में जानकारी होनी चाहिए और पॉलिसी जानने के लिए इस थंबनेल पर जरूर क्लिक करें। मैं आपको वहीं पर मिलूंगा।